हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं देसी किचन चैनल। और आज की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ यूपी बिहार की फेमस मिठाई लौंग लत्ता, वो भी ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। जी हाँ दोस्तों, इस मिठाई को बनाने के लिए ना सबसे पहले मैदे में देसी घी या रिफाइंड ऑयल डाल के उसका डो तैयार कर लेना है। और उसकी ना एक पतली सी रोटी बेलनी है और इसमें खोया से स्टफ किया मैंने। फोल्ड कैसे करना है यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। और इसको ना इसे राउंड शेप में, गोल शेप में फोल्ड कर देने हैं। और जहाँ से इसको अटैच करेंगे वहाँ पर ना एक लौंग भी लगाने। लौंग का वीडियो हमसे मिस हो रखा है। और ये हो गई हमारी चाशनी जो कि पहले से बनी हुई है, आप चाहे तो इंस्टेंट बना भी सकते हैं अपनी चाशनी। और इसके बाद ले लिया मैंने एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देंगे तेल। तो तेल डालने के बाद इसको ना बिल्कुल हिट फ्लेम पे नहीं डालना, जब आपका तेल हल्का सा गर्म हो तभी इस लौंग लत्ते को इस तेल में डालने हैं। और इसको ना दोनों साइड अलट पलट के बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पकाने से। और हाँ, जब हम मैदे का डो तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा ना फूड कलर, रेड कलर का डाल देंगे। इससे क्या होता है कि हमारे लौंग लत्ते का कलर ना बिल्कुल यम्मी से दिखने में लगता है। तो ये दोस्तों इसको यहाँ पे अब फ्राई कर लेंगे। जब आपको लगे ना कि हाँ बिल्कुल कुरकुरे क्रंची हो चुके हैं तभी इसको निकाल के गर्मा गर्म ना चाशनी में डिप कर देना। इससे क्या होता है, सारी चाशनी को ना ये लौंग लत्ता एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर से भी भर लेता है ये। और ये रेसिपी ना खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज होती है, खास करके यूपी बिहार और बंगाल के साइड में काफ़ी इसे पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, तो ये करीब करीब हमारे लौंग लत्ते की हलवाई वाली रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही देसी किचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, नई टेस्ट के साथ। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे आते रहिए और नई नई रेसिपी का लुत्फ़ उठा